एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अंकुशा पाटिल और आज का वीडियो दो टाइप के लोगों के लिए रेलेवेंट है। पहले वो लोग जिन्होंने अभी अभी अपना 2023 का कैट एग्जाम अपियर किया है एंड सेकेंड 2024 के लिए प्रिपेयर करना चालू करने वाले हैं। सो सबसे पहले तो भाई जिनका 2023 हो चुका है, I extend a huge congratulations to all of you because I know ये journey कितनी tough होती है and you have completed this journey. I am very very happy about that this exam is done. सबसे पहले तो be proud of yourself because I am really proud of you for completing this journey because start तो बहुत लोग करते हैं but ख़त्म इसे बहुत कम लोग कर पाते हैं। अब भले चाहे आपका पेपर अच्छा गया हो या बुरा गया हो, सबसे पहले I would like to talk to people जिनका exam इतना अच्छा नहीं हुआ। अब इस कैटेगरी में भी दो टाइप के लोग होंगे। पहले तो वो लोग होंगे जिनके लिए इस साल ही MBA में एडमिशन लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सेकंड वो लोग आएंगे जो पूरा एक साल दोबारा कैट की प्रेपरेशन कर सकते हैं, जिनके लिए इसी साल MBA में एडमिशन लेना इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। तो इसमें सबसे पहले लेट मी टॉक अबाउट पीपल जिनके लिए ये साल काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है और अब क्योंकि कैट हो चुका है और कैट उनका अच्छा नहीं गया है, सो वॉट आर the next steps that they should follow. Now, reason can be anything. आपका family pressure हो सकता है, family की liability हो सकती है, या हो सकता है आपकी age काफ़ी ज़्यादा है, या आपके already 2-3 साल के gap year हो चुके हैं and you are not in the condition कि another year you are ready to give for CAT preparation. तो भाई इस case में तो भाई सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि जितने भी MBA entrance exam अभी भी खुले हैं, जिनका registration open है, please start registering for those exams. You can see some of the exams on the screen as well. जिनका अभी भी registration चालू है, start preparing for these exams. देखिए आपकी अब तक की मेहनत खराब नहीं हुई है because almost इधर उधर subject तो same ही है, कुछ add और subtract ही होता है, so you can still prepare strategically targeting that exam. इन exams की अगर मैं बात करूँ तो सबसे important exam है यहाँ पे ZAT, because ZAT एक ऐसा exam है जिसका score most of the good private college accept करते हैं। इसके बाद आता है हमारा CMAT का exam, again इसका score जो है वो बहुत ही अच्छे private B schools accept करते हैं। तो आप इन पे focus करके अभी से अपनी preparation start कर सकते हैं। इन फैक्ट आपका जो कैट स्कोर है वो भी कुछ दिनों बाद जैसे ही आपका आंसर की आउट हो जाएगा, आपको समझ आएगा कि आपके स्कोर में क्या परसेंटाइल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग भी प्राइवेट कॉलेजेस में आप अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेजेस हैव देयर ओन रजिस्ट्रेशन फॉर्म एज वेल। वैसा ही एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज इज आदित्य स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। ये एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे आपको फैकल्टीज बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड मिलती हैं एंड देर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनाई बेस विच विल हेल्प यू टू बिल्ड नेटवर्क। नॉट जस्ट दैट, अगर मैं अकेडमिक्स की बात करूँ सो दे हैव ऑल काइंड ऑफ लैब अवेलेबल। इफ आई टॉक अबाउट द फाइनेंस लैब, तो वहाँ पे आपको फाइनेंशियल एनालिसिस करने का मौका मिलेगा, आपको पता चलेगा कि रियल टाइम डिसीजन मेकिंग क्या होती है। ना सिर्फ ये, आपको कैपस्टोन सिमुलेशन कराया जाएगा जहाँ पे आपको रियल टाइम बिजनेस प्रॉब्लम्स दी जाएंगी एंड यू विल गेट एन एक्सपीरियंस टू हाउ टू सॉल्व ऑल ऑफ इट, हाउ टू टेक केयर ऑफ द मार्केटिंग, द फाइनेंसिस, द लॉ एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू बिजनेस एंड रनिंग अ बिजनेस। इन फैक्ट अगर आपको किसी भी फील्ड में, लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है या फिर आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है, तो उस टाइप के एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट कोर्सेज भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री कराए जाएंगे। नाउ कमिंग टू द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, भाई आपको लाइव प्रोजेक्ट करने का मौका मिलेगा इन द कॉर्पोरेट्स, समिट्स वहाँ होती है, कॉन्क्लेव्स होते हैं, बहुत सारे इंटर कॉलेज इवेंट्स होते हैं जिनको आपको पार्टिसिपेट तो ठीक है बट आपको उनको ऑर्गेनाइज करने तक का एक्सपीरियंस मिलेगा। सो लाइक इट्स अ कंप्लीट गुड प्राइवेट कॉलेज एंड यू नो वॉट, आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। इफ यू रजिस्टर फॉर दिस कॉलेज आफ्टर यूजिंग माई कूपन कोड, जो 2000 लगते हैं इनके रजिस्ट्रेशन के, दैट डायरेक्टली कम्स डाउन टू जस्ट 500 रुपीज़। सो पीपल फॉर होम इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू परस्यू दिस ईयर, आई विल हाईली रिकमेंड कि भाई डू चेक द रिलेवेंट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड यूज माई कूपन कोड एंड रजिस्टर फॉर दिस कॉलेज। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड टाइप के लोगों के लिए जिनके लिए इस साल MBA करना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। पहला तो ये हो सकता है रीज़न कि भाई वो अपने ग्रेड के आखिरी ईयर में थे और उन्होंने अभी अपना कैट अपियर किया एंड इट वॉज नॉट दैट गुड।
ठीक है, तो उनके लिए अगर एक पूरा साल वो देते भी है कैट की प्रेपरेशन के लिए, तो आई थिंक इट मेक्स सेंस एंड इट इज कम्प्लीटली ओके. इनफैक्ट वो गैप ईयर भी कंसिडर नहीं होगा. कोई भी आपको इंटरव्यू में नहीं पूछेगा कि आपने गैप ईयर में क्या किया, बिकॉज यू विल हैव अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स कि आई प्रिपेयर्ड फॉर कैट. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ पीपल इन दिस कैटेगरी विल बी कि भाई उन्होंने एक दो साल का गैप ईयर उनके पास है, बट अगेन उनके पास कोई फैमिली प्रेशर नहीं है, फैमिली लायबिलिटी नहीं है, और उनकी एज भी बहुत ज़्यादा नहीं है. लाइक दे आर 25 और 26 एंड दे आर लाइक दे कैन गिव इट अनदर ट्राई. तो उन लोगों के लिए भी अगेन इट इज आई विल हाईली रिकमेंड कि भाई आप डेफिनेटली कैट के लिए गैप ईयर ले, कैट की प्रेपरेशन करें. बट क्योंकि अब आपका गैप ईयर थोड़ा ज़्यादा हो चुका है एक साल से, तो आई विल रिकमेंड कि आप अपनी कैट प्रेपरेशन के साथ साथ दूसरा कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट ले ले, इंटर्नशिप ले ले, या इफ़ यू कम फ्रॉम बिजनेस बैकग्राउंड तो फिर आप अपने यू नो आप फैमिली में अपने हेल्प कर सकते हैं बिजनेस में. सो दैट इन इंटरव्यू जब आपको पूछा जाएगा कि आपने उन दो तीन सालों में क्या किया, तो आप अगर सिर्फ ये बोलेंगे कैट की प्रेपरेशन कर रहा था या कर रही थी, दैट विल नॉट वर्क. यू नीड टू से समथिंग एक्स्ट्रा कि भाई कैट के अलावा आप क्या कर रहे थे. तो फॉर दैट डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कैट के साथ जरूर करना चाहिए. ऑल राइट, तो अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका कैट का एग्जाम बहुत ज्यादा अच्छा हुआ. सबसे पहले तो गाइज हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. यू हैव कम अ लॉन्ग वे एंड आई नो हाउ इट फील्स जब आप किसी चीज के लिए शिद्दत से मेहनत करते हैं एंड यू स्टार्ट फीलिंग, महसूस होने लगता है कि यू नो आपका सपना पूरा होने वाला है. यू आर वेरी क्लोज टू इट. आई नो हाउ दैट फील्स. बट अगेन यू नो, और आपके दिमाग में भी ये चीज़ें चल रही होंगी कि भाई अब इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करूं, जीडी के लिए कैसे प्रिपेयर करूं, वैट के लिए कैसे प्रिपेयर करूं, अपना प्रोफाइल बिल्डिंग कैसे करूं. सो लेट मी टेल यू, जस्ट काम डाउन, टेक अ ब्रेक ऑफ वन डे और टू डे, प्लान आउट एवरीथिंग स्ट्रैटेजिकली, स्टार्ट प्रिपेयरिंग टुवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स. एंड आई एम टेलिंग यू, काफ़ी सारा समय है आपके पास. 3 महीने बहुत होते हैं, 3 महीने चलिए 2.5 महीना तो है आपके पास. एंड इट्स लॉट टू प्रिपेयर. अगर आप स्ट्रैटेजिकली प्लान करें तो ये समय काफ़ी है. इनफैक्ट इन दिस जर्नी आई विल ट्राई कि भाई मूविंग फॉरवर्ड ऑन माई चैनल आई पोस्ट डिटेल वीडियो ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज GDPIs. बट एक छोटी सी टिप है, जो तीनों चीज़ों में GDPI हो या आपका VAT हो या आपका प्रोफाइल बिल्डिंग हो, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ करेंट अफेयर्स. तो स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स. कुछ बहुत सारे यूट्यूब के चैनल्स भी है जहाँ पे करंट अफेयर्स कवर होते हैं, सो स्टार्ट वॉचिंग दोज वीडियोज एज वेल. विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. And I hope that you all found this video really, really helpful. और आपको clarity मिल गई होगी. मुझे समझ क्या दे रहा है? You know what is next after CAT 2023? All the very best, guys. Make the best decision for yourself. Bye bye.